आसाराम केस के मुख्य गवाह कृपाल सिंह की शनिवार रात मौत हो गई। कृपाल सिंह को शुक्रवार रात घर लौटते समय अज्ञात बाइक सवारों ने गोली मार दी थी। गोली कृपाल की पीठ में लगी थी जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी क्षतिग्रस्त हो गई थी। इसी के चलते घटना के तत्काल बाद उनके दोनों पैरों ने काम करना बंद कर दिया था। उनकी हालत गंभीर बनी हुई थी और वो शनिवार सुबह से ही वेंटिलेटर पर थे। कृपाल सिंह जोधपुर रेप मामले में अहम गवाह थे। कृपाल सिंह की मौत के साथ ही आसाराम मामले से जुड़े तीसरे गवाह की भी हत्या हो गई है। आसाराम यौन उत्पीड़न मामले में पीड़ित लड़की के पिता ने सीबीआई जांच की मांग की है। पीड़ित लड़की का कहना है कि वो कृपाल सिंह को करीब से जानती थी क्योंकि वो उसके पिता के दोस्त थे। पीड़ित लड़की का कहना है कि कृपाल सिंह ने उसके केस में गवाही दी थी। ये जितने भी गवाहों पर हमले हुए हैं और जिनकी भी मृत्यु हुई है उनके लिए सीबीआई जांच होनी चाहिए ताकि उन्हें न्याय मिल सके। हाँ, एक डर तो बना ही हुआ है, इतने लोगों पर हमले हो चुके हैं, हम पर भी हो सकता है। यौन उत्पीड़न की शिकार लड़की अपने साथ हुए यौन उत्पीड़न की घटना को याद कर अब भी सहम उठती है। पीड़ित लड़की का आरोप है कि उसे जोधपुर के आश्रम में आसाराम ने कुटिया में बुलाया था और उसके साथ यौन शोषण किया था। पीड़ित लड़की का आरोप है कि आसाराम ने मुंह बंद रखने के लिए उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी थी। आसाराम ने मुझे धमकी जरूर दी थी कि इस बारे में मैं किसी से भी कुछ भी ना कहूं, नहीं तो वो मेरे पेरेंट्स को नुकसान पहुंचाएगा, उन्हें मरवा देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य एशिया के दौरे पर किर्गिस्तान पहुंच गए हैं। तुर्कमेनिस्तान की यात्रा समाप्त कर पीएम मोदी बिश्केक पहुंचे। इससे पहले पीएम ने इस दौरान तुर्कमेनिस्तान के साथ कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने तुर्कमेनिस्तान को अपना महत्वपूर्ण सहयोगी बताया। मोदी ने अशगाबाद में योग सेंटर का उद्घाटन किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोगों ने योग किया। साथ ही पीएम ने राजधानी अशगाबाद में महात्मा गांधी की मूर्ति का अनावरण किया। तुर्कमेनिस्तान दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल हिंदी सीख रहे छात्रों ने अपनी गायकी से जीत लिया। आम आदमी पार्टी और दिल्ली पुलिस की अदावत की कड़ी में नया मामला सामने आया है। दिल्ली पुलिस अब आपके 21 विधायकों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी में है। इन सभी विधायकों के खिलाफ दिल्ली के किसी न किसी थाने में कोई न कोई मामला दर्ज है। दिल्ली पुलिस ने सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के विधायकों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने 21 विधायकों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की शुरुआत कर दी है। जहाँ तक मेरी एक जानकारी है, एक शायद केस उनका था जो जिसमें जुलाई के महीने में चार्जशीट फाइल हुई है, दो केसेस का तो मुझे पक्का पता है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दलित नेता ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के लिए भारत रत्न देने की गुजारिश करते हुए पीएम को चिट्ठी लिखी है। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले का महाराष्ट्र के दलितों के बीच महात्मा का दर्जा है, तो क्या ये फडणवीस का दलित कार्ड है जिसके जरिए फडणवीस दलितों को बीजेपी के पाले में करने की कवायद में जुट गए हैं। दिल्ली में कांग्रेस ने इफ्तार की दावत का आयोजन किया। इस दावत में दिल्ली कांग्रेस के सभी छोटे से लेकर आला नेताओं ने शिरकत की। इस मौके पर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के मुखिया अजय माकन, शीला दीक्षित, किरण वालिया, सज्जन कुमार जैसे दिग्गज मौजूद थे। इस मौके पर शीला दीक्षित ने दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार पर टिप्पणी की। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दावत में लालू प्रसाद यादव शरीक हुए, लेकिन लालू यादव की इफ्तार में नीतीश बाबू शामिल नहीं होंगे। 13 जुलाई को दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की इफ्तार दावत है जिसमें नीतीश कुमार शरीक होंगे, जबकि लालू यादव ने पहले ही मैडम का मेहमान बनने से मना कर दिया है। हालांकि लालू यादव ने सफाई दी है कि उन्होंने ही नीतीश को सोनिया की इफ्तार पार्टी में जाने के लिए कहा था। भोपाल में गोवा के राज्यपाल मृदुला सिन्हा की किताब परित्यक्त लंकेश्वरी का विमोचन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के हाथों हुआ। इस मौके पर लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे। जम्मू कश्मीर के बारामूला में मुठभेड़ में शहीद हुए जमशेदपुर के जाबाज किशन दुबे का पार्थिव शरीर इंडियन एयरलाइंस से रांची पहुंचा। रांची एयरपोर्ट पर बीएसएफ के जवानों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी, जिसके बाद सड़क के रास्ते उनके जमशेदपुर स्थित पैतृक आवास ले जाया गया, जहां शहीद किशन दुबे का आज अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ किया जाएगा। समाजवादी पार्टी के नेता अमर मणि त्रिपाठी की बहू सारा सिंह की मौत पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं।
बहू सारा सिंह की मां ने अपनी बेटी की मौत पर सवाल खड़े करते हुए मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। सारा की मां का कहना है कि हादसे के वक्त एक गाड़ी में सवार दो लोगों में एक की मौत हो जाती है जबकि दूसरे को खरोच भी नहीं आती। वहीं सारा के भाई ने आरोप लगाया कि सारा अपने पति के साथ खुश नहीं थी। आरा सिविल कोर्ट बम ब्लास्ट मामले में पुलिस ने जेडीयू विधायक सुनील पांडे को गिरफ्तार कर लिया है। एक गिरफ्तार आरोपी के बयान पर सुनील पांडे को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने पांडे से करीब दो घंटे पूछताछ की, बाद में विधायक को 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। यूपी और एमपी में आतंक का पर्याय बने 7 लाख के इनामी डकैत बलखड़िया की मौत को लेकर लगातार सस्पेंस बना हुआ है। 2 जुलाई को चित्रकूट के जंगलों में हुई मुठभेड़ में गैंग को काफी नुकसान पहुंचा था। घटना स्थल पर कई जगह से खून के निशान मिलने से ये माना जा रहा है कि दस्यू सरगना पूरी तरह घायल हो गया है या फिर इलाज के अभाव में उसकी मौत हो गई है। हालांकि पुलिस ने अब तक पुष्टि नहीं की है। मध्य प्रदेश के शहडोल में परीक्षा में नकल कराना एक फलता फूलता धंधा बन गया है। जिले के ब्योहारी विकास खंड के खड्डा निपनिया और बुड़वा गाँव में खुलेआम नकल कराकर पास कराने का ठेका लिया जाता है, जहां न तो शिक्षा विभाग के अधिकारी जाते हैं और न ही जिला प्रशासन की टीम। रुपयों के दम पर सब कुछ इस तरह खुलेआम होता है। भोज विश्वविद्यालय के बीए सेकंड ईयर की परीक्षा में हो रही खुलेआम नकल को हमारी टीम ने कैमरे में कैद किया। हिमाचल प्रदेश में हो रही भारी बारिश के बाद राज्य सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया। पिछले 24 घंटे से हो रही मूसलाधार बारिश से पहाड़ों पर भूस्खलन की घटना बढ़ी है, जबकि कई जगह पहाड़ दरकने भी लगे हैं। नदियों में जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। लोगों को नदियों के किनारे से दूर रहने की सलाह दी जा रही है। सरकार ने हर जिले में आपदा के लिए कंट्रोल रूम खोलने के सभी डीसी को आदेश दिए हैं। धर्मशाला सिरमौर जिलों में बारिश का सबसे ज्यादा असर है। नाथपा झाकड़ी विद्युत परियोजना पर भी असर पड़ा है। तापमान में भी 4 से 5 डिग्री की गिरावट आई है। उत्तराखंड में भी भारी बारिश के बाद लोग दहशत में हैं। बीते 48 घंटे से हो रही बारिश से बाढ़ सहित भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। नदियां खतरे के निशान के आसपास उफान मार रही हैं। कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के सभी जिलों को अलर्ट पर रखा गया है। हालांकि अभी पहाड़ में बहने वाली नदियां खतरे के निशान से कुछ नीचे बह रही हैं, लेकिन बारिश का बरसना जारी रहा तो आफत कभी भी आ सकती है। दिल्ली में बादल जमकर बरस रहे हैं। जगह जगह सड़कों पर पानी तो भरा है ही, अब घरों में भी पानी घुसने लगा है। एक ओल्ड एज होम में पानी घुसने से करीब 300 लोगों को वहां से सुरक्षित निकाला गया। ये सारे लोग मरीज, लाचार और मानसिक रूप से बीमार हैं। नगर निगम की लापरवाही से एक परिवार को अपने बच्चे से हाथ धोना पड़ा। मामला मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर का है, जहां सुबह से हो रही तेज बारिश के बहाव में एक बच्चा नाले में बह गया। बच्चे को बचाने के लिए नगर निगम और जिला प्रशासन टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन फिलहाल बच्चे का कहीं पता नहीं चल सका है। राजस्थान के कोटा में 3 लड़के तेज पानी के बहाव में फंस गए। ये तीनों पिकनिक मनाने गए थे और शराब के नशे में धुत थे। अचानक नदी में तेज पानी का बहाव आने से तीनों फंस गए। कंट्रोल से मिली सूचना के बाद नगर निगम और आरएसी की टीम ने करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद सभी को सकुशल बाहर निकाला। गुड़गांव के सरकारी अस्पताल में कर्मचारियों की लापरवाही से लाखों रुपए की दवाइयां बर्बाद हो गई। मामला सेक्टर 10 के अस्पताल का है, जहां पानी भरने से स्टोर में रखी लाखों रुपए की दवाइयां खराब हो गई। अस्पताल में रखी करीब 250 तरह की जीवन रक्षक दवाइयां बरसाती पानी में खराब हो गई। राजस्थान के पाली में स्कूली छात्राओं को मुफ्त साइकिल का वितरण किया गया, लेकिन इस वितरण ने सरकारी मशीनरी की लापरवाही की पोल खोल दी। लड़कियों को दी गई साइकिल में किसी में हवा नहीं थी तो किसी का लॉक नहीं खुल रहा था। ज्यादातर साइकिलों के टायर में हवा नहीं थी तो कईयों को दी गई साइकिल के लॉक ही नहीं खुल रहा था। शाहजहांपुर में एक आरोपी चलती पुलिस जीप से कूदकर भागने के चक्कर में अस्पताल पहुंच गया। आरोप है कि पुलिस की पिटाई से खौफजदा रामकुमार नाम का शख्स तेज रफ्तार चलती पुलिस की जीप से कूद गया। घटना के बाद से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। परिजनों की माने तो पुलिस उसे जीप में बुरी तरह पीटते हुए थाने ले जा रही थी। 1998 में नेत्रहीन क्रिकेट विश्व कप में मैन ऑफ द सीरीज चुने गए भालाजी डामोर अब मवेशी चलाकर अपने परिवार का पेट पालते हैं। बेशक वर्ल्ड कप नेत्रहीन खिलाड़ियों का था, लेकिन भारतीय टीम सेमीफाइनल तक पहुंची थी और मैन ऑफ द सीरीज चुने गए थे भालाजी डामोर। सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका से हारने के बाद भी तत्कालीन राष्ट्रपति के आर नारायणन ने भालाजी की तारीफ की थी और उन्हें सम्मानित किया था। आज भालाजी परिवार का पेट पालने के लिए पशु चराने पर मजबूर हैं। अमेरिका में हाल ही में हुए वर्ल्ड पुलिस गेम्स में 3 गोल्ड मेडल जीतने वाली झारखंड की झानू हाजदा अपने सम्मान समारोह में रो पड़ी। झानू को इस बात का मलाल है
स्पोर्ट्स कोटे से पुलिस की नौकरी मिलने के 10 साल बाद भी उन्हें प्रमोशन नहीं मिला। झानू का आरोप है कि झारखंड पुलिस में खास वर्ग का दबदबा होने की वजह से खेल में हमेशा अव्वल रहने वाली झानू जिंदगी की दौड़ में पिछड़ गए हैं। फिरोजाबाद में एक लड़की को महीनों बंधक बनाकर गैंगरेप किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़ित लड़की ने आरोप लगाया है कि दबंगों ने उसे करीब एक महीने तक बंधक बनाकर न सिर्फ गैंगरेप किया बल्कि उसे मारा, पीटा और गर्म चिमटों से जलाया भी। पीड़ित के मुताबिक उसके भाई के दोस्त प्रशांत यादव ने ही उसका अपहरण कर लिया और उस पर जुल्म ढाए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। राजस्थान के जैसलमेर जिले के रामगढ़ कस्बे में बाबूराम चौहान नाम के एक आरटीआई कार्यकर्ता पर भूमाफियाओं ने जानलेवा हमला कर उसकी टांगे तोड़ दी, साथ ही उसके बाल काटकर उसे जबरन पेशाब भी पिलाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। सूरत में सिंथेटिक चावल मिलने से प्रशासन में हड़कंप मच गया है। बताया जाता है कि चीन से आयात होने वाला ये चावल सिंथेटिक है। मामले का पर्दाफाश तब हुआ जब गुजरात के नवसारी की एक दुकान में सिंथेटिक चावल बिकने की जानकारी खाद्य विभाग को मिली। नवसारी सितार सूरत पहुंचे, सूरत से चावल का सैंपल लेकर लैब में जाँच के लिए भेजा गया है, लेकिन इस खुलासे ने सबके कान खड़े कर दिए हैं। मध्य प्रदेश के हरदा जिले में खाकी की बेरहमी एक बार फिर दिखी। पुलिस के हत्थे चढ़े दो आरोपियों की पुलिस ने जमकर पिटाई की। इन बदमाशों पर अवैध शराब के कारोबार पर छापे के वक्त पुलिस दल पर हमला करने का आरोप था। एफटीआईआई विवाद में फिल्म स्टार नाना पाटेकर भी खुलकर छात्रों के समर्थन में आ गए हैं। रणबीर कपूर, ऋषि कपूर, अनुपम खेर के बाद नाना ने भी ऋषि कपूर की बातों का समर्थन किया है। ऋषि कपूर ने गजेंद्र चौहान को खुद ही अध्यक्ष पद छोड़ने की सलाह दी थी।